ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आप लोगों के लिए एक लेके आया हूँ, बहुत ही पौष्टिक और कई गुणों से भरपूर औषधि कह सकते हैं इसको हम, जो कि हमारे भोजन का एक हिस्सा है। तो इसे 3 साल से उम्र के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े कोई भी ले सकता है। मैं अपने बेटे के लिए बना रहा था, तो उसको क्योंकि, और इसका प्रयोग क्या है कि इससे हम आँखों का पावर बढ़ेगा और आँखों से चश्मा भी उतर सकता है। और हम बोलते हैं अगर आँखों से चश्मा नहीं भी उतरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमने ली हैं ये बहुत ही पौष्टिक हैं और गुणकारी हैं। इसमें धागे वाली मिश्री हम लेते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि देखिए धागे टाइप का, इसको पीस करके बारीक कर लेंगे। ये बहुत ही बलकारक होती है और ये पौरुष शक्ति को भी बढ़ाती है जो मिश्री होती है, क्योंकि ये ठंडी होती है तासीर में, इसलिए शरीर में कभी एसिडिटी बनने देती, इसीलिए हम औषधि में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही गुणकारी है। दूसरा सौंफ पाउडर, क्योंकि पीसना थोड़ा मुश्किल होता है तो ये पिसा हुआ ले रखा है मार्केट से। तीसरा बादाम, जहाँ सौंफ देखिए पाचक है वहीं पे मुख के दुर्गंध को भी दूर करता है, तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में विधान है भोजन के अंत में सौंफ और मिश्री खाने का। आज आप कितने भी बड़े होटल में चले जाइए वहाँ पे भी आपको सौंफ मिश्री ज़रूर मिलेगी। यही इसका एक कारण है कि मुख के दुर्गंध को दूर करती है, साथ ही पाचन शक्ति को दुरुस्त करती है। और जो मिश्री और सौंफ है ये पित्त को हमारे जा कर के पित्ताशय को संदेश देते हैं कि भोजन समाप्त हो चुका है, तो वहाँ से पित्त का श्रवण ना हो, तो ये भी मुख्य कारण रहा है। साथ ही जो सौंफ है ये गैस नहीं बनने देता, जब गैस नहीं बनेगा कब्ज नहीं होगा तो आदमी का भोजन लगेगा शरीर में और भोजन बलशाली और हष्टपुष्ट होगा। साथ ही बादाम के तो क्या ही कहने, आपको पता ही है विटामिन ई का भरपूर स्रोत है, जो आँखों के लिए, साथ ही बालों के लिए, दिमाग के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस ये मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादाम जो है हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि को पावर देता है और वहाँ से जो हमारी तंत्रिकाएँ हैं उनको बल और मजबूती प्रदान करता है। तो इसीलिए जब हमारे नसों में सिर की कोई प्रॉब्लम होती तो कान में बादाम का तेल डालने का भी विधान है, जिससे कि वो नसों तक पहुँचे और नसें सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके और ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। तो जब ये तीनों मिल जाती हैं तो फिर तो रामबाण है, इसका क्या कहना, चश्मा तो उतरेगा ही, साथ में यानी आँखों की पावर तो बढ़ेगी, साथ में बुद्धि भी बढ़ेगी, बाल भी नहीं जड़ेंगे और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो भी मजबूत और सुदृढ़ होता है। तो ये चाहे उसको चश्मा लगा हो या ना लगा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अगर भोजन के बाद हम एक चम्मच सुबह शाम ये खाते हैं तो बहुत ही गुणकारी और लाभदायक है। हम जो फास्ट फूड जंक फूड में पैसा बर्बाद कर देते हैं उसके मुकाबले इसमें कुछ भी लागत नहीं है। अगर आप बना सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम भी यहाँ से भेज सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखना है कि तीनों चीज़ बराबर मात्रा में लेनी है। ये बादाम हमने लेके पीस लिया है, देखेंगे तो अभी मैंने इसमें पीसा है, तुरंत अभी जस्ट पीस ही रहा था, तो ये सौंफ पिसा हुआ लिया था और मिश्री ये हमने इसे कूट पीस करके रखा था, जबकि मिश्री की मात्रा इसमें कम है। इसमें आप सोच रहे होंगे मिश्री कहाँ है, तो ये देखेंगे तो इसमें मिश्री में मिला रहा था, ये थोड़ा मिश्री चिपचिपा हो गया बरसात की वजह से तो चिपक गया है, तो ये सफ़ेद वाला आपको मिश्री दिखेगा इसमें। तो 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम सौंफ का पाउडर, 100 ग्राम बादाम का पाउडर, तीनों को मिलाएँ और एयर टाइट जार में भर के रख दें और फैमिली के सभी मेंबर, खासतौर से बच्चों को और बुज़ुर्ग लोगों को ज़रूर दें, तो जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहेगा और बहुत ही
लाभकारी है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, जब तक इसको बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। हमने पहले भी खाया था इसको और आप लोग भी खाए, मैं चाह रहा था, इसीलिए बनाते समय मुझे ध्यान आया कि ये साधारण सिंपल सा नुस्खा आप लोगों के लिए साथ शेयर करा जाए। बताने को बहुत लोगों ने बताया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, आप सबको पता भी है, लेकिन आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।